हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम एक प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वाई बाय बेंडिंग ऑफ बीम। ये प्रैक्टिकल यंग मॉडल्स डिटरमाइन करने के लिए है कि उसका हम यंग मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी निकालना है और एक बार का निकालना चाहते हैं, जिस और हमारा मेथड है सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम। उसका बेंड के कारण हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमें जो अपैरेटस चाहिए, एक तो बार चाहिए, एक दो स्टैंड्स चाहिए विथ जो नाइफ एजेस के साथ हो, जिस पर इसको बार को रख सकें, और एक एक, एक स्ट्रिंग चाहिए, एक हुकअप चाहिए बीच में लगाने के लिए, और हमें वेट्स चाहिए, 500-600 ग्राम के कुछ वेट्स चाहिए। इसके थ्योरी में यह है कि यंग मॉडल्स हम जानते हैं, इसको हम इलास्टिक मॉडल्स भी कहते हैं, और ये एक स्टिफनेस या कितना वो हार्ड मेटल है उसका एक माप है। इलास्टिक हम जानते हैं कि यंग मॉडल्स रिलेशन दिखाता है स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन, और जिसका जितना डिस्फॉर्मेशन है उसका एक रेशियो है। ये एक सारे एक सॉलिड तब डिफॉर्म होता है जब हम इसके ऊपर कुछ भार लगाते हैं, और जब उस भार को हम हटा देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जा सकता है, और इसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और इसका जो हम कहते हैं कि ये भार तब तक डिफॉर्मेशन होता है, जिस रेंज तक डिफॉर्मेशन होता है उसको हम इलास्टिक लिमिट कह सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन का होता है, यानी लीनियर होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक सॉलिड बीम लेते हैं जिसका हमें इलास्टिक कांस्टेंट निकालना है, और इस बीम को हम दो सिरों पर, दो नाइफ एजेस के ऊपर सिरों करते हैं। इस नाइफ एजेस के बीच की जो लेंथ है एल, वो हम नाप लेते हैं एल इन दो सिरों के बीच में, और हम ये कोशिश करते हैं, ये करना चाहिए, प्रिकॉशन है, कि नाइफ एजेस के जो बाहर जो रॉड निकल रही है उसका लेंथ बराबर हो। हम ये चाहते हैं कि इसके बीच में जो लेंथ आए वो, और इसके जो नाइफ एजेस के जो बाहर जो लेंथ निकल रही है वो बराबर हो। सपोज हम ये कहें, ये जाने कि इन दोनों नाइफ एजेस के बीच में जो लेंथ है वो स्मॉल एम एल है या कैपिटल एल है, और इसके बीच है। अगर ये टोटल लेंथ है और हम इसका जो डिप्रेशन, इसके एक सेंटर में अगर हम एक मास लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो हम ये जानते हैं कि जो मास है ये दोनों सिरों, दोनों नाइफ एजेस पे m/2 का लोड लगाएगा या रिएक्शन देगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये प्रैक्टिकल हम ऐसे भी कर ये मान सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एक l/2 का प्रैक्टिकल है, और l/2 की लेंथ ली है और उसके सिरों पर हमने m/2 मास लगा रखा है। अगर हम डिप्रेशन निकालें तो इसका डिप्रेशन हम नाम सकते हैं, इसका डिप्रेशन हमने सपोज स्मॉल l लिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, बाद में मैंने इसका फॉर्मूला को चेंज कर दिया था, और y इज इक्वल टू g(l³)m^4/d³m/l, और इसमें ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसको 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है। कैपिटल एल जो डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस है वो मीटर्स में निकालते हैं, एम मास ऑफ लोड इन kg, बी ब्रेथ इन मीटर, और डी डेप्थ इन मीटर, और एल स्मॉल एल जो है डिप्रेशन। इसका प्रोसीजर सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम एक गिवन बार, हॉरिजेंटल बार लेते हैं, और दो नाइफ एजेस के बीच में, ए और बी जो नाइफ एजेस है उनके बीच में रख देते हैं। ये इसको हम सिमेट्रिक रखते हैं, जिससे जो प्रोजेक्टिंग है वो सेम इक्वल, जिससे हमें इक्वल रिएक्शन मिल सके ए बी, और इसका डिस्टेंस एल हम इसे जब एडजस्ट करते हैं कि ये 90 सेंटीमीटर के आसपास हो, और क्योंकि हमें हमारे पास जो रॉड जो आती है वो 1 मीटर की होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये
जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर हो और दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर रिएक्शन के लिए निकल। फिर हम पहले लीस्ट गेज का स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालते हैं और ज़ीरो एरर निकालते हैं। इसी इस स्क्रू गेज के का उपयोग करके हम बार की थिकनेस निकालते हैं और इट वे ये हमारे को डी की वैल्यू प्रोवाइड करती है। फिर हम लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर का निकालते हैं और वर्नियर कैलिपर से हम वेट की बीम निकालते हैं। इसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को हम दो तरह से कर सकते थे। एक करेक्शन एक में था कि हम इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते और एक स्पेरोमीटर से नापते हैं, मगर यहाँ पर हम एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहे हैं और इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के कारण हम इसको एक बीच में एक नीडल लगाते हैं और उसको क्रॉस वायर पे फोकस करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो नीडल है यहाँ पे उल्टी दिखेगी और विदाउट एनी मास हम अब इसके अंदर हम बीच में एक हैंगर लगा देते हैं और उसको हम, हालांकि हैंगर का मास 500 ग्राम होता है, मगर इस केस में हम इसको 0 या 500 मान सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उसको ये ले सकते हैं। अगर 0 मानते हैं तो 0 मान के कर लीजिए और अगर इसको 500 मान के करते हैं तो पहली रीडिंग 500 की हो जाएगी। अब हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का और हमने इंटरसेक्शन से हमने देख लिया। अब हमने इसके अंदर एक हैंगर लगाया और इसको थोड़ी देर तक, क्योंकि हैंगर लगाने पर थोड़ा ऑसिलेशंस होते हैं, उसको 2 मिनट तक रोक के और इसके हम देखते हैं कि जो ये नीडल है ये ऊपर की तरफ और इसका टिप ऊपर की तरफ आ जाता है। हम अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं और इस टिप को वापस क्रॉस वायर के बाद लाते हैं और इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो ये 0 या 500 ग्राम के लिए पहली रीडिंग हो जाएगी। अब हम इसके अंदर 500 ग्राम के लोगों और उसको टिप को फिर फोकस करते हैं और हर एक केस के लिए रीडिंग लेते हैं और ये हम 4 किलोग्राम तक कर लेते हैं। इन 500 किलोग्राम के अंतर पर 4 किलोग्राम के, और ये है, इस तरह हम अलग अलग डिप्रेशन के लिए, अलग अलग मासेस के लिए डिप्रेशन नोट कर सकते हैं। अब तो ये सारी इंक्रीजिंग मास के लिए डिप्रेशन आ जाए। अब हम इसमें से एक एक करके, तो जैसे ही 4 किलो के बाद हमने 500 ग्राम निकाला तो अब वेट हो गया 350 ग्राम। तो 350 ग्राम के हम उसके ऊपर रीडिंग लिख देते हैं डिप्रेशन की, माइक्रोस्कोप की, और ऐसा ये तब तक करते हैं जब तक कि वो हैंगर का वेट या 500 ग्राम तक नहीं आ जाता। ये हमें को रीडिंग दे देगी इन केस ऑफ लोड डिक्रीजिंग। अब हमारे पास, हम देखते हैं कि हमने लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग दोनों के मार निकाल रखे हैं। फिर हम इसके बाद हम उसको 200 ग्राम या 2 किलोग्राम तक के जो रेड है उसके लिए हम डिप्रेशन निकालते हैं। तो इसके ऑब्जर्वेशन टेबल्स के देखते हैं कि हमने लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन नाइफ एजेस एल हमने नोट कर लिया। इसके बाद लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये है कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, और इसका लीस्ट काउंट निकाल लिया, 0 एरर निकाल ली। फिर हमने स्क्रू गेज की रीडिंग हमें लेनी आती ही है, मगर इसको दोबारा देख लें कि मेन स्केल सर्कुलर स्केल के डिविजन्स नोट कर लिए। फिर उसका डायमीटर निकाल लिया, अनकरेक्टेड डायमीटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये अगर 0 एरर स्क्रू गेज की मानते हैं तो उसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो हमने इसको निकाल लिया, ms प्लस cs इंटू लीस्ट काउंट और सेंटीमीटर, और फीत इसका हमने करेक्टेड डायमीटर निकाल लिया जिसमें से लीस्ट काउंट जो 0 एरर है वो हटा दी और करेक्टेड जो डायमीटर है प्लस माइनस 0 एरर इसके, ये हम इसकी जो मोटाई है 2-3 जगह लें जिससे हम इसका मीन निकाल सकें। इसके बाद हमें स्केल बार का ब्रेड्थ निकालनी है
ब्रेथ निकालने के लिए, तो वही जैसे हमने स्क्रू गेज के साथ किया था वैसे ही हम वर्नियर कैलिपर के साथ करेंगे, और वर्नियर कैलिपर के साथ उसकी ब्रेथ निकाल लेंगे और ये इससे समय भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पार्ट है वो है इसके मास और डिप्रेशन फ्रादर, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है और इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हम स्पैरोमीटर है वो नहीं लगाना है, हम बिना स्पैरोमीटर वाला एक इक्वेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने पहला हैंगर का वेट ज़ीरो माना है तो ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, और अगर आपने हैंगर के वेट 500 माना है तो 500 से स्टार्ट कीजिए। तो हम माइक्रोमीटर जो हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इसमें माइक्रोमीटर लगा हुआ होता है, तो माइक्रोमीटर रीडिंग लेते हैं फॉर मास फॉर इंक्रीजिंग लोड। तो हमारे पास ए मेन स्केल होगा, इसमें वर्नियर स्केल होगा और टोटल वर्नियर स्केल जैसे हमने ऊपर स्क्रू गेज में करते वैसे ही इसी तरह मास। तो इसको हमने जब लोड इंक्रीजिंग करेंगे तो पहले हम 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 4000 इस तरह इस सीक्वेंस में चलेंगे। जब हम लोड इंक्रीजिंग करेंगे तो हमारे पास 4000 तक यानी 4 किलोग्राम तक तो हमारे पास वेट हो गया, और जैसे ही तो 4 किलोग्राम की लोडिंग तो वैसे कि वैसे ही लिख देंगे डिक्रीजिंग साइड में भी। फिर हमने जब 500 ग्राम हटा गया, अब वेट हो गया हमारा 3500 ग्राम या 3.5 किलो, तो हम इसको 3.5 किलो हो गया, तो हम इसकी रीडिंग 3.5 में लगे। अब इसमें हम उल्टा चलेंगे और इसको तब तक आ जाएंगे जब तक हम इसको ज़ीरो रीडिंग निकाल पर नहीं आ जाते, और अब इन दोनों रीडिंग्स का हम मीन रीडिंग ले लेंगे, टोटल ए और टोटल बी का रीडिंग। तो मैंने इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख दिया। अब हम इसके पास हमें डिप्रेशन फॉर 2 किलोग्राम के लिए हमें डिप्रेशन निकालना है, तो ये 2000 माइनस ज़ीरो करेंगे तो 2000 हो जाएगा यानी 2 किलोग्राम हो जाएगा यानी ई माइनस ए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 2500 माइनस 500 करेंगे तो ये एफ माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह 3500 माइनस 1000 करेंगे तो 2000, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास डिप्रेशंस आ जाएंगे। इन 5 डिप्रेशंस का हम मीन निकाल लेंगे, और मीन डिप्रेशन फॉर 2000 2 किलोग्राम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है यंग मॉडल्स ऑफ द कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एल जो है वो है, और यहाँ एम अब हम 2 किलोग्राम लेंगे क्योंकि हमने 2 किलोग्राम के लिए डिप्रेशन लगाया। ध्यान रखिएगा सारी आइटम्स जो सी जी है इसी में इसी यूनिट्स में होनी चाहिए, अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करिए मीटर्स में, ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में, बट 2000 ग्राम मतलब 2 किलोग्राम होगा तो सिंपल या 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल जो ऑफ द बीम इज इक्वल टू एन, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, और फिर आप यंग मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल के यंग मॉडुलस दिया होता है तो उसका इक्वेशन या उसकी वैल्यू जो हमारे बीम का जो मटेरियल है उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और इससे फिर परसेंटेज एरर निकाल देंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट इनटू 100, यह इक्वेशन का परसेंटेज एरर हो जाएगी। इसमें सावधानियाँ बरतना, ध्यान रखिएगा इसमें एक्सप्रेशन ऑफ वाई एल और डी जो है वो पावर ऑफ 3 में है, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से कैलकुलेट है, बट डी जो है वो बहुत कम होता है और उसकी पावर भी बहुत 3 में है,
और इट शुड बी, आप ये इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि डी की पावर भी 3 में है और डी कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको आराम से मेजर कीजिए, एग्जैक्ट मेजर कीजिए। ये अच्छा, अब हमारे पास ये रहना कि बीम शुड बी हॉरिजॉन्टल और उसके मिड पॉइंट पर ही वेट लटकाया जाए। दर जो जो नाइफ एजेस है वो रिजिड होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, प्रयोग के दौरान उनका बंकन या आंदोलन नहीं होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी बार के होने जो वेट रखते हैं वो धीरे धीरे रखना चाहिए और थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ही रीडिंग लेनी चाहिए। और जो लोड हम दें वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्क्रू गेज, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इन सब में बैकलैश एरर होती है, इसलिए हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि जो माइक्रोस्कोप या माइक्रोमीटर का जो स्क्रू है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जिससे रिजल्ट या बैकलैश एरर नहीं है। ये प्रयोग है, आराम से हो जाएगा, इसमें बस लीस्ट काउंट निकालना और थोड़ा सा देखना। धन्यवाद।